आज की डेट में शॉर्ट्स बना तो हर कोई रहा है, पर क्या सब वायरल जा पा रहे हैं? नहीं ना। बट इस वीडियो में तुम्हें तीन ऐसे शॉर्ट चैनल आइडियाज दूंगा जो कि अभी के टाइम में या तो कोई कर ही नहीं रहा है या बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो अगर तुम टाइम रहते इनमें से एक भी चैनल चुपचाप शुरू कर लेते हो, व्यूज ही व्यूज होंगे। आइडिया नंबर वन है एनिमेटेड डायलॉग शॉर्ट्स। अगर तुम्हें फाइनेंस यानी पैसे में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो तुम लेबर लॉ एडवाइजर, प्रांजल कामरा, अंकुर वारी को ऐसे चैनल्स तो देखते ही होगे। ये तो हुए मेनली लॉन्ग वीडियोस वाले चैनल, बट फाइनेंस में ही यूट्यूब शॉर्ट पर कई यूनिक क्रिएटर्स हैं, लाइक फाइनेंस विद शरण, तेजस जोशी फाइनेंस एंड कुछ और चैनल्स जिनका की नाम अभी मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, इनकी हर वीडियो मिलियंस में जाती है, बट लाइक इनकी हर वीडियो में ना एक फॉर्मेट सा होता है जहां सेम इंसान दो कैरेक्टर्स प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, एक बार तुम एक क्लिप देखो। हबीबी, आई वांट टू बाय अ गोल्ड चेन। आई हियर गोल्ड इज डैम चीप इन दुबई। यस सर, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कॉस्ट 47,000 रुपीस हियर। तो वायरल शॉर्ट बनाने का आइडिया नंबर वन है डायलॉग वाले एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाना। कैसे बनाने हैं और ये होते क्या है बताता हूँ, बट ध्यान रखना, जो वायरल शॉर्ट का सेकंड आइडिया मैं तुम्हें देने वाला हूँ लिटरली इतना मस्त है कि उस पर तो कुछ दिनों में मैं खुद शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ, तो उसे मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। फिलहाल चलते हैं आइडिया नंबर वन पर। इसका फायदा है कि ना इसमें तुम्हें अपना फेस दिखाना पड़ेगा, ना ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी। लाइक अगर तुम उतने अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते हो, कैमरा चाहिए हो, इस तरीके से तुम्हें फेस दिखाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस जैसा कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑडियंस को एनिमेटेड वीडियोस काफी पसंद आती है। एंड फुल डिस्क्लेमर, हाई क्वालिटी एनिमेशन जल्दी करने के लिए हम यूज करने वाले आज के स्पॉन्सर वंडर शेयर एनी रील का, तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड और इंस्टॉल करके रख लेना। उसे पहले देखते हैं कि ये डायलॉग वाले शॉर्ट्स वायरल होते ही क्यों है, तो डिटेल्ड एनालिसिस कभी और करेंगे। इन शॉर्ट्स के वायरल होने का एक रीजन है कि इनमें एक साथ एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट मिलता है। स्किट होती है तो मस्त मजा तो आता ही है, मजे मजे में फाइनेंस के बारे में लाइक कुछ ट्रिक या क्विक हैक भी सीखने को मिल जाता है। तो तुम किसी भी कैटेगरी के शॉर्ट बनाओ, उसमें वैल्यू जरूर होनी चाहिए, लाइक सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ सीखे, हैक ट्रिक कुछ भी लाइक बट सीख जाए। एंटरटेनमेंट के लिए काफी जरूरी एक्सप्रेशन हो जाते हैं, जो कि अगर तुम्हें एनिमेशन में लाने हैं तो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके ही बेस्ट हो पाएगा। बट अगर तुम्हारे पास उतना टाइम या स्किल नहीं है, एनी रील में काम काफी आसान हो जाता है। सिंपली 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके अपनी वॉइस यहाँ इम्पोर्ट कर लेना। एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगाकर इस कैरेक्टर टैब में जाना। यहाँ तुम्हें टीचर से लेके स्टूडेंट्स, दादाजी, छोटा बच्चा, न जाने कितने सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। अगर तुम चाहो तो माय कैरेक्टर टैब में जाकर अपना खुद का कार्टून भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक 40 साल के अंकल को दिखाना है, तो मैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, फिर अपने हिसाब से बाल, कपड़े, फेस का शेप सब कुछ सेलेक्ट करके इस कैरेक्टर को फाइनल कर दूंगा। एंड लाइक मेरा खुद का यूनिक कैरेक्टर रेडी है। तुम समझ रहे हो, इसे मैं आराम से हर वीडियो में यूज कर सकता हूँ एंड ये मेरा कैरेक्टर बन जाएगा। जैसे इसे देखते ही कैरिमिनाटी की याद आती है, इसे देखकर कीर्ति चौकी, ये कैरेक्टर भी पॉपुलर हो सकता है। तो लाइक मैं इधर दो कैरेक्टर्स लेकर आऊंगा, फिर इनके एक्सप्रेशन सेलेक्ट करूंगा कि ये कर क्या रहे हैं। मान लो अंकल जी बोलते बोलते कहीं जा रहे हैं, तो मैं पोज में तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, साथ में मोशन वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाथ सेलेक्ट कर दूंगा एंड बूम, ये कुछ ऐसा लगेगा। लिप सिंक को यूज करके मैं इनके एक्सप्रेशन भी सही कर दूंगा, लाइक जो भी वॉइस है उसके अकॉर्डिंग इनके एक्सप्रेशन चलेंगे। भाई सही बताऊं तो क्योंकि इधर तुम अपने खुद के ह्यूमन एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, लाइक बस वॉइस है, तो बहुत जरूरी हो जाता है आवाज में दम हो। कार्टूनिश वॉइस बनाने की कोशिश कर सकते हो, क्यूट कर सकते हो, फिट रहेगा, या फिर अंकल, बच्चे एंड नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग पिच करके वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइक ट्राई करो। जो भी हो, ये तो हो गया हमारा वायरल शॉर्ट आइडिया नंबर वन। अब बात करते हैं आइडिया नंबर टू और थ्री की। तो टेक पर शॉर्ट बनाना ये कोई तगड़ा वायरल आइडिया नहीं है, पर मेरे आइडिया में थोड़ा सा ट्विस्ट है। टेक शॉर्ट्स बनाओ पर ऐसे मत करो, आज देखेंगे तीन मजेदार गैजेट्स, 3 यूजफुल वेबसाइट्स एवरीवन शुड यूज, या फिर इंस्टाग्राम के बेस्ट हैक्स। बल्कि शुरू में साइलेंट रहो, कुछ मत करो, बस कुछ मजेदार प्रोडक्ट शुरू के 3 सेकंड्स में दिखा दो। हाँ, बस दिखा दो। अगर तुम इसे सही से एग्जीक्यूट कर ले दो ना, जो इंटरेस्ट लेवल लोगों का होगा यार, मजा ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ मैं कहूँ आज दिखाऊंगा एप्पल का इकोसिस्टम कितना तगड़ा है, दूसरी तरफ बस एक क्लिप दिखा दूं कि मैंने एक फोटो कॉपी आईफोन में करी एंड वो पेस्ट आईपैड में कर दी, लाइक तुम सोचो कितना मजा आएगा। रूल सिंपल है, शो मोर देन यू टेल। काफी जल्द मैं भी ऐसे शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ, या शायद ये वीडियो आने तक बनाना शुरू भी कर चुका हूँ, तो कुछ बढ़िया आइडिया था तो तुम भी ट्राई कर सकते हो भाई, शायद वर्क करे।
ओके, सो तुमने बच्चों की स्टोरीज, उनके लिए पोएम्स, किस्से, कहानियां, ऐसी वीडियोस तो देखी ही होंगी। आजकल तो बच्चे दुनिया में आते नहीं है, ये सब देखना शुरू पहले कर देते हैं। एंड यू नो व्हाट, इन वीडियोस पर लाखों नहीं करोड़ों व्यूज होते हैं। क्या हो तुम बच्चों के लिए एनिमेटेड स्टोरीज बनाने लग जाओ, बट यूट्यूब शॉर्ट्स पर। अगेन सिंपली एनी रील खोलना, इस बार बैकग्राउंड थोड़ा बच्चों के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तुम पिक्साबे पिक्सल्स जैसी साइट से कोई भी वीडियो एज बैकग्राउंड लगा सकते हो, मस्त लगेगा। अगर वीडियो ना मिले तो कोई फोटो लगाना, यहाँ से फ्लोट, बाउंस, बाउंस राइट, एंड इनमें से कोई भी मस्त सा मोशन लगा देना बस। एंड ऐसे ही तुम एनिमेटेड स्टोरीज भी बना सकते हो। एक बोनस आइडिया, तुम फैक्ट वाले शॉर्ट्स भी एनिमेट करके बना सकते हो, एंड ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है। पूरे आइडिया के बारे में ऑलरेडी लेफ्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो क्लिक करो और देख लो। बाकी अगर वंडर शेयर एनी रील काम का लगा हो तो ट्राई जरूर करना, पसंद आए तो खरीद लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।